मॉर्निंग गाइस। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और आज हमारा चौथा दिन है। हम लोग घूमने जा रहे हैं और आज हम जाने वाले हैं संजय गांधी नेशनल पार्क में। सो हमारे एरिया से वहां तक जाने के लिए हमको अराउंड 2 घंटे लगने वाले हैं। तो हम लोग अभी निकलेंगे तो शायद हम लोग 10 या 10:30 बजे तक वहां पे पहुंच जाएंगे। और संजय गांधी नेशनल पार्क जो है वो 9 बजे ओपन होता है, तो शाम के 5 बजे तक रहता है। और हम लोग 10 बजे तक पहुंच जाएंगे तो अराउंड 1 घंटा हो चुका होगा ओपन हुए उसको। तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं थोड़ी देर में। संजय गांधी नेशनल पार्क में मैं फर्स्ट टाइम ही जाने वाली हूँ अभी। तो मैंने गूगल पे और यूट्यूब पे देखा है कि कैसा है क्या है, वहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए। अभी वहाँ पे जाने के बाद देखेंगे कि वो कैसा है, मैं आपको दिखाऊंगी कि वहाँ पे क्या क्या है। आगे में ये है हमारे पीछे संजय गांधी नेशनल पार्क, और बोरीवली स्टेशन से कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हम लोग वहाँ से अभी ऑटो से आए, तो अभी हम लोग जाएंगे वहाँ पे। एंट्री भी है। तो ये है संजय गांधी नेशनल पार्क, अभी हम लोग इसके अंदर जा रहे हैं। वो मेरी दीदी वहाँ पे खड़ी है। ये है यहाँ पे टिकट काउंटर, यहाँ से हम लोगों को टिकट्स लेना पड़ेगा। 12 साल के ऊपर के लोगों के लिए 85 रुपीज़, और ये संडे को क्लोज रहता है। तो ये है टिकट्स, और 85 रुपीज़ टिकट है पर पर्सन। और अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं और बूढ़ी माता अपने रूम से आई। तो ये है बस, और हम लोग अभी यहाँ से कनेरी केव्स जाएंगे। ये बस लगी हुई है यहाँ पे। ये है कनेरी केव्स की टिकट्स, पर पर्सन 10 रुपीज़। हम लोग 4 लोग हैं तो 40 रुपये हुआ है। तो अभी हम लोग कनेरी केव्स के पास पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे बहुत सारे शॉप है खाने के लिए, फ्रूट्स है ये देखिए यहाँ पे। अभी हम लोगों को वहाँ से ऊपर चढ़ना है, तो हमें अभी यहाँ से ऊपर चढ़ना है। ये है कनेरी केव्स, और शायद वहाँ पे जो दिख रहा है वहाँ पे कनेरी केव्स है। चलो मम्मी, चलो ऊपर, चढ़ो। हम लोग वहाँ से आए और सिर्फ इतना ही डिस्टेंस हम लोगों को चल के जाना है, तो ज़्यादा दूर नहीं है, हमको ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना पड़े। सो कनेरी केव्स के अलग से आपको टिकट्स देना पड़ेगा। इंडियंस के लिए 25 रुपीज़ है, और फॉरेनर्स के लिए 300 रुपीज़ है। यहाँ पे मैप भी है, अगर कुछ भी कन्फ्यूजन हुआ, कुछ भी समझ में नहीं आया, तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे ड्यूरेशन भी दिया हुआ है, और ये जो बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं यहाँ पे चढ़ने के लिए परमिशन नहीं है। यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, हम लोग ये पत्थरों पे नहीं चढ़ सकते। यहाँ पे बैठने के लिए चीज़ें हैं, तो हम लोग यहाँ बैठ सकते हैं। और यहाँ पे पीने के लिए पानी मिलेगा, कैंटीन है, टॉयलेट है। ये है खापर कुटी की सब्जी, और हम लोगों ने अभी गांव में हमारे बहुत फेमस है।
हमारे गांव में बहुत फेमस है। और यहाँ पे जो नीचे में लॉन है ना, ये हाँ ये जो गार्डन है लॉन, तो उसके साइड में कचरे जैसे थी ये, मतलब उसके पत्ते लगे हुए थे। इससे पहले कि ये इसको कचरा समझ के उखाड़ दे, ये इसको खाने के लिए लेके जाए। हाँ वो कचरा समझ के उखाड़ के फेंक देंगे, इसलिए हम लोगों ने ऊपर के तोड़ लिए। और घर पे जाने के बाद हम लोग इसकी सब्जी बनाएंगे। क्यों, मेरे को सब्जी खिलाएगी ना तू? बहुत टेस्टी लगती है, बहुत। हाँ। तू फैन हो जाएंगे। अच्छा, मैंने तो अभी तक खाई नहीं है, बट ये बोल रही है कि बहुत टेस्टी है। इसको खिलाया हमने, खाके भूल गई है। मुझे अच्छा बोल के खाती है और भूल जाती है, मुझे याद बेहया। अभी हमको खाना ठूसना है और मुझे टाइम नहीं है, सो यू कंटिन्यू। हाँ, हम यहाँ पे टिफिन लेकर आए हैं, तो अभी हम लोग यहाँ पे खाना खाने वाले हैं। हमने घर से टिफिन लेकर आए थे। यहाँ पे खाने के लिए चीजें मिलेंगी आपको शॉप्स में, और अगर आपको टिफिन लेकर आना है तो आप टिफिन भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं। तो हम लोग अभी तक कनेरी केव्स के अंदर गए नहीं हैं। हम लोग बहुत जल्दी सुबह उठ के यहाँ पे आए हैं, और सुबह खाना खा के भी नहीं आए थे, नाश्ता वाश्ता भी नहीं किया था, तो अभी हम लोगों को बहुत भूख लग गई है। अभी हम लोग पहले नाश्ता करेंगे, उसके बाद कनेरी केव्स देखने जाएंगे। नहीं यह यज्ञ है, ब्रह्मा अग्नि में है, आहुति नरचित्त शुद्ध सेवन करे तब ब्रह्म ही होती मति। ऐसी किया कर भावना, अर्पण किया कर ब्रह्म को, कर फेर भोजन प्रेम से, सत बुद्धि पावे धर्म को। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। दिस इज कॉल्ड लाइफ। साइड क्या है पता नहीं, लेकिन मेरी दीदी टॉर्च दिखा रही है मुझे वीडियो बनाने के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे अंधेरा है। ये पूरा राउंड है, सर्कल है ये एक्चुअली, और सेंटर में ये है, दिखाओ इसको निशिदाई। बौद्ध स्तूप, बोलो क्या बोलते इसको, बौद्ध स्तूप। ये इतना बड़ा है ना कि क्या बताएं।
प्यार हुआ है हम तो दिल दे ही चुके फिर भी तेरी हार बाकी थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी। तो ये है 74 नंबर का केव और यहाँ पे बैठने के लिए जगह है। ये छोटे छोटे यहाँ पे कमरे बने हुए हैं और ये एक छोटे छोटे यहाँ पे कमरे हैं, ये शायद वॉशरूम जैसे यूज़ करते होंगे। और इस साइड भी एक और कमरा है यहाँ पे, ये यहाँ पे भी बैठने के लिए है और ये एक कमरा है और यहाँ पे सोने के लिए जगह है, मतलब मैं सो सकती हूँ यहाँ पे, इतना स्पेस है यहाँ पे बैठने के लिए जगह है। और यहाँ पे भी वॉशरूम जैसा कुछ है, मतलब एक छोटा कमरा है कपड़े चेंज करने के लिए शायद, ऐसे कुछ चीज़ें हैं। तो ये है पानी का टैंक और वहाँ से सीढ़ियाँ है, शायद वो ज़माने में यहाँ पे नहाते होंगे, यहाँ का पानी यूज़ करते होंगे। ये है 69 नंबर का रूम और यहाँ पे ऐसे रूम्स बने हुए हैं, यहाँ पे हम लोग अंदर जा नहीं सकते। यहाँ पे ये एक केव है, यहाँ पे ये एक है, यहाँ पे है और उधर भी है। और मैं अभी आपको, हम लोग अंदर जाके देखेंगे। तो ये है, ऐसा रूम बने हुए हैं यहाँ पे, हर जगह पे रूम है और हर रूम में ये ऐसे छोटे रूम्स है वॉशरूम जैसे यूज करने के लिए, इतना अमेजिंग है ना। और ये एक है तो बहुत ही अच्छा बना हुआ है, आप दीवार पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे मूर्तियां बनाई गई है। और लकीली ये वाला गेट ओपन है तो यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनी हुई है। सी, ये गौतम बुद्ध की है और भगवान की है, ये देखिए। ये वाला जो है केव, ये इतना बड़ा है, मेरा आवाज गूंज रहा है, इको हो रहा है यहाँ पे। निशिते इकड़े कम कम, उधर जा, तो जाओ उधर जाओ, जाओ ना उधर जाओ। ये देखो ये इतनी छोटी हो रही है, मतलब इतना बड़ा है ये। ओके, बहुत सारी। ये इतना बड़ा हॉल है कि यहाँ पे पता नहीं क्या होता था, मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत अच्छा है। और आप देख सकते हैं कि दीवार पे बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हुई है, गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ बनी हुई हैं और ये पत्थर पे, पत्थर को चीर के ऐसे से खोद के बनाया गया है। सो बहुत मेहनत लगी होगी। और ये जो है ये जो मेरे पीछे आपको छोटे छोटे रूम्स दिखाई दे रही है, ये फिर ये इस साइड में, तो ये यहाँ पे भी छोटे छोटे रूम हैं। हमारे जितने वॉशरूम्स होते हैं ना उतने ही कमरे हैं। मुझे लगता है कि, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे वो क्यों बनाए गए हैं। यहाँ पे शायद सभा भरती होगी, राजा लोग जहाँ पे पंचायत करते थे, सभा भराते थे, तो ये वो प्लेस होगा वो ज़माने का। ये जो छोटे छोटे कमरे हैं यहाँ पे वो अपने रानियों को रखते होंगे या फिर पता नहीं मुझे कि यहाँ पे ऐसा, लेकिन ये जो है ये बहुत अच्छा है।
सी। तो ये सबसे बड़ा प्लेस है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे थोड़ा अंधेरा है बट स्टिल बहुत अच्छा है। यहाँ पे बहुत सारे केव्स है, बहुत सुंदर सुंदर केव्स है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे भी है, और मेरे पीछे आप देख सकते हो। मैंने हम लोगों ने अभी तक सिर्फ ये वाली पहाड़ी को कवर किया है, हमारे पीछे और आप देख सकते हैं ये एक पहाड़ी है, वो एक पहाड़ी है, और इतने सारे पहाड़ियों के नीचे तो अंदर तक गुफाएं हैं। ये एक पहाड़ी है और इसके अंदर भी गुफा है, मैं जूम करूंगी अभी। और यहाँ से ना पानी जाता होगा, और जब बारिश बहुत ज़्यादा होती होगी तो तब यहाँ से बहुत सारा पानी जाता होगा। ये एक केव है, यहाँ से अंदर जाने के बाद ऊपर से सीढ़ियाँ बनाए गए हैं, और वहाँ पे भी एक रूम है। अभी हम लोग कैंटीन जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए और चाय। कौन ट्रीट देने वाला है? पापा। तो ये है कनेरी केव्स, और हमारा अभी कनेरी केव्स हो चुका है। हम लोग कब आए थे? सुबह 11 बजे। सुबह 11 बजे आए थे, और हम संजय नेशनल पार्क में हम लोग पहुंच गए थे 10 बजे। तो हम लोग ये कनेरी केव्स में कुछ 11 बजे पहुंचे, और 11 बजे से लेके अभी हो रहे हैं 3:30 हो रहे हैं, और इतना टाइम हम लोग ऊपर ही थे, क्योंकि जो यहाँ का जो एनवायरमेंट है ना वो बहुत अच्छा है, पीसफुल है। हम लोग इतने ऊपर चढ़ गए थे कि पूरा यहाँ से जो बिल्डिंग्स वगैरह है, इतना जंगल है फिर भी सारी चीज़ें यहाँ से हम लोग देख पा रहे थे। हम लोग सबसे टॉप में जब जाएंगे तब वहाँ से पगोड़ा सेंटर भी यहाँ से दिखाई देता है, और हम लोग वो भी कवर करेंगे कुछ अभी 2-3 दिनों के बाद, जब हमारी बहन को छुट्टी मिलेगी। क्यों? आएगी ना? हाँ हाँ, तो हम लोग फिर उसके बाद जाएंगे। और यहाँ का जो एनवायरमेंट है वो बहुत अच्छा है, साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी है, और यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, कैंटीन है, वॉशरूम्स है, पानी है, सब कुछ, और साफ़ सफाई इतनी ज़्यादा है, नीट एंड क्लीन है कि बहुत अच्छा लगता है। अभी देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या है। ये सबसे मेन प्लेस है यहाँ का, कनेरी केव्स संजय गांधी नेशनल पार्क का। अभी सेकेंड वन जो है वो टाइगर सफारी कुछ है, तो वहाँ पर हम लोग जाने नहीं वाले शायद, क्योंकि इतना मन नहीं है देखने का। उसके बाद वहाँ पे लेक है एक और, तो वहाँ पे जाएंगे। और यहाँ पे बहुत सारे म्यूज़ियम हैं, तो जितना मुझे थोड़ा आइडिया है म्यूज़ियम में कैमरा अलाउड नहीं है, तो हम लोग जाके देखेंगे, अगर कैमरा अलाउड है तो हम लोग वीडियो बनाएंगे, अगर नहीं है देन देखते हैं। कम ऑन, ये
मेरे पीछे तालाब यहाँ का जो अभी सूख चुका है। बारिश के दिन शुरू है लेकिन फिर भी तालाब सूख चुका है क्योंकि मुंबई में अभी 4-5 डेज हो गए हैं पानी नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये सूख गया। और अगर यहाँ पे ये पूरा भरा हुआ रहता तो बहुत अच्छा रहता, और शायद यहाँ पे बोटिंग भी यहीं पे होती है। यहाँ का जो बंदर है वो कैसे रिएक्शंस देते हैं वो मेरे पापा करके दिखाएंगे और मेरी मम्मी भी। मेरा लॉक बना दे तू। पापा को ये प्लेस जो है वो बहुत पसंद आया। फिर से मुंबई आना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा टूरिस्ट मैप है और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे मैप में बताई है और हम लोग क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे आके। इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे करने के लिए। सो यहाँ पे कनेरी केव्स के अलावा अभी हम लोगों ने पूछा, बोटिंग नहीं है, मतलब क्योंकि तालाब पूरा सूख चुका है तो बोटिंग भी नहीं है। और मिनी ट्रेन का जो सफ़र था वो भी यहाँ पे नहीं होने वाला है क्योंकि ट्रेन बंद है। और अभी यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें हैं बाकी, तो वो हम देखेंगे गार्डन वगैरह में जाएंगे। अभी शाम के 6:10 हो रहे हैं और गेट जो है वो बंद हो गया। अभी हम लोग बाहर आए तो एक इम्पॉर्टेंट नोट है, हम लोगों ने जब एंट्री किए थे तब 100 रुपीज़ हमने दिया था, उन्होंने हमसे 100 रुपीज़ लिए थे। अगर पॉलीथीन है या चिप्स के वेफर्स है या फिर कुछ भी जो भी चीज़ अगर पॉलीथीन में रखी हुई है वो चीज़ें और प्लास्टिक के बॉटल्स वो पार्क में ना फेंका जाए, इसलिए उन्होंने हमसे 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा के लिए थे। अभी हम लोग 6:10 पे बाहर निकले तो वो काउंटर बंद हो रहा था, मतलब ऑलमोस्ट बंद हो गया था। 3-4 काउंटर है उसमें से सिर्फ एक ही काउंटर बचा हुआ था, वो भी बंद हो रहा था। अगर वो बंद हो जाता तो हमारे 100 रुपये चले जाते और वो मिलते नहीं। तो अगर आप यहाँ पे आते हो, आपको थोड़ा भी लेट हो गया बाहर निकलने में 6 के बाद, तो आपके जो 100 रुपये है वो चले जाएंगे। इसलिए अगर आप यहाँ पे आते हो तो 6 ही बाहर निकल जाना, नहीं तो वो आपसे पैसे ले लेंगे। या फिर कुछ भी चीज़ें पॉलीथिन में मत लेकर आओ, सारी की सारी चीज़ें टिफ़िन बॉक्स में या इसमें उसमें लेकर आओ, नहीं तो आपके 100 रुपीज़ चले जाएंगे। और अभी हम लोग घर पे जा रहे हैं तो अभी तो बहुत ट्रैफिक रहने वाला है, तो पता नहीं देखते अभी कितने बजे तक हम लोग घर पे पहुँच रहे हैं। मेरी मम्मी जो ना इससे बहुत डरती है, उसको लगता है कि वो गिर जाएगी। तो मेरी मम्मी जो है आज फर्स्ट टाइम मेट्रो में बैठने वाली है और पापा ऑलरेडी बैठ चुके हैं नागपुर में। मैं बच्चों को लेके गया था स्कूल से। बच्चों को लेके गया था। अच्छा, स्कूल से मेरी तो पहली बार है। मम्मी का पहली बार है, फर्स्ट टाइम है। मेट्रो पे कैसा लगा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। कैसा था फर्स्ट टाइम?
मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं पहली बार बैठी मेट्रो में। फिर से बैठोगे? हाँ। अभी हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं, अभी रात के बज रहे हैं 8 और हम लोगों को कुछ अराउंड 1.5 से 2 घंटे घर पे आने के लिए लगे क्योंकि इवनिंग टाइम था तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी था। सो अभी हम लोग, अभी मम्मी खाना बनाएंगी। क्या बनाओगे खाने में मम्मी? देखूंगी, मेथी की सब्जी। मेथी की सब्जी। तो अभी मम्मी खाना बनाएगी और मैं मम्मी को हेल्प करूंगी। सो मैं वीडियो को यहाँ पे एंड कर रही हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।